नींबू वाले की सफलता। बहुत पहले एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था, उसका नाम था चिन्ना। के माँ बाप गुजर गए थे तो वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव आया। उस गांव में सब्जी मंडी के पास आया। सब्जी मंडी को देखकर, वाह कितनी बड़ी मंडी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कारोबार करके मैं तरक्की करूँ, पर क्या धंधा करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? लागत के लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। हमारे स्कूल में मास्टर जी ने कहा था कि हर सफलता की यात्रा एक कदम से ही शुरू होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी, मैं भी इन 10 रुपयों से कोई धंधा शुरू करूंगा। उसके बाद वहां की सब्जी की दुकानों को एक एक करके जांचने लगा। एक दुकान पर आकर, चाचा नींबू कैसे दिए? दुकानदार, एक नींबू 1.5 रुपए, अगर 10 लोगे तो 10 रुपए में दूंगा, लेना है? चिन्ना ने हाँ कहकर 10 रुपए दिए और 10 नींबू लिए। फिर मंडी के एक कोने में जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर 10 नींबू रखा और, नींबू ले लो, नींबू ताजा ताजा नींबू, आओ भाई आओ, 1 नींबू 2 रुपए, 1 नींबू 2 रुपए, 10 नींबू लोगे तो 15 रुपए, 10 नींबू 15 रुपए, आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगा। यूं शाम तक एक आदमी आया और 15 रुपए देकर 10 नींबू ले गया। ये देख चिन्ना बहुत खुश हुआ। 10 रुपए की लागत से 5 रुपए का लाभ, वो भी शाम तक ही। उसने सोचा, मुझे यूं ही इस धंधे को ध्यान से आगे बढ़ाना होगा। अगले दिन भी यूं ही नींबू खरीद कर बेचने लगा। आओ भाई आओ, ताजा ताजा नींबू, कहकर बेचने लगा। उस दिन भी उसे लाभ हुआ। धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा और एक दिन नींबू की एक बड़ी टोकरी बेचने के काबिल हुआ। एक दिन वो मंडी से लौट रहा था कि वहां उसने एक टिफिन की रेडी देखी। वहां उसने देखा कि खाने वालों के लिए पीने का पानी का प्रबंध नहीं था। एक आदमी, क्यों भाई, क्या तुम जानते नहीं कि जो यहाँ खाएगा उसे पानी पीना होगा? पानी का प्रबंध क्यों नहीं है? हमें दिक्कत हो रही है। रेडी वाला, आपके पैसे नाश्ता के लिए पर्याप्त है तो पानी कहाँ से लाऊं? प्यास लगी तो घर जाकर पानी पियो। ये बात सुनकर चिन्ना सोच में पड़ गया। अगले दिन उस टिफिन की रेडी के पास ही नींबू पानी की रेडी लगाया। आओ भाई आओ, ताजा नींबू पानी पियो और प्यास बुझाओ, 1 ग्लास 1 रुपया, नींबू पानी पियो, कहकर आवाज देने लगा। टिफिन खाने के बाद इसके पास आकर नींबू पानी पीने लगे। इस तरह थोड़े समय में ही उसके पास काफी लोग आने लगे। इससे महीने भर में ही उसने काफी पैसे कमाया। ये देख चिन्ना बहुत खुश हुआ। इस तरह सुबह और शाम नींबू पानी बेचता था और बाकी समय में नींबू बेचकर चिन्ना ने कई साल गुजार दिए। उस मार्केट में कारोबार करते करते चिन्ना बड़ा हो गया। एक दिन एक महाशय चिन्ना के पास आए और, बेटा तुम जानते हो मैं कौन? मेरा नाम रामनाथ है, मैं इस मार्केट का चेयरमैन हूँ। चिन्ना, अरे आपको कौन नहीं जानता, आपके कारण ही तो मेरे जैसे छोटे व्यापारी आराम से कारोबार कर पा रहे हैं, मैं तो आपको बचपन से ही देखता आया हूँ। रामनाथ, बहुत खुशी हुई, मैं भी तुम्हारी तरक्की कई सालों से देखता आया हूँ। तुम जब यहाँ आए थे तो एक अनाथ थे, उसके बाद तुम्हारी मेहनत, संकल्प और समझदारी से धीरे धीरे बढ़कर तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। मैं ऐसे लगन से काम करने वाले की इज्जत करता हूँ। तुम्हें एतराज ना हो तो मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं समझता हूं कि तुमसे अच्छा पति मेरे बेटी के लिए नहीं मिलेगा। चिन्ना साहब, इतनी अच्छी बात को मैं मना कैसे कर सकता हूं? मेरे जैसे अनाथ को आप अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह चिन्ना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसके बाद ससुर जी की मदद से कारोबार को और आगे बढ़ाया और बहुत नाम और धन कमाया।
इसीलिए बच्चों, कारोबार के लिए केवल पैसों का होना ही जरूरी नहीं है। मेहनत, लगन और निष्ठा हो तो किसी भी काम में सफलता मिल सकता है। यही इस कहानी की सीख है।